पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वर्तांगी बीजेपी के गढ़ अमेठी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी ने भ्रमण किया और इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के सदस्य और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद बीते दिनों शहीद हुए दो जवानों के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद पार्टी की जिला महिला महासचिव गुंजन सिंह के घर पर उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। देर शाम आशीष चतुर्वेदी ने बीजेपी के गद्दावर और वरिष्ठ ब्राह्मण नेता आशीष शुक्ला के घर जाकर उनसे मुलाकात की और मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में आई है, उन्होंने बेरोजगारी को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। 70 सालों में आज सबसे अधिक बेरोजगारी पहुंच चुकी है, जो कि अपने चरम सीमा पर है और महंगाई भी अपने चरम पर है। इसी से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार देश और प्रदेश को चला रही है। आज संगठन के कुछ लोगों से मुलाकात करनी थी, साथ ही जो सेना के वो परिवार हैं जिन्होंने अपने सदस्यों को खोया था, उन लोगों से जानना था कि उन लोगों की क्या स्थितियां हैं, उन लोगों को तकलीफ है कि नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ आज आया था। साथ ही जो हमारा संगठन है, आज कुछ उन लोगों से भी मुलाकात करनी थी, उसी उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या माना जाए कि 2022 के चुनाव तैयारियां शुरू हो गई हैं? जी बिल्कुल, चुनाव की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं। पब्लिक भी अपना मन बना रही है और जो